समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की जयंती आज देश भर के साथ मुरैना में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर कुशवाहा समाज द्वारा मुरैना से चल समारोह निकाला गया। इसके साथ ही भाजपा, कांग्रेस व बसपा सहित अन्य सामाजिक संगठनों के तत्वावधानों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। महात्मा ज्योतिराव फूले जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार मुरैना में भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में महात्मा फूले के जीवन से जुड़ी झांकियां भी शामिल हुई, जो आकर्षण का केंद्र रही। महात्मा ज्योतिराव फूले का चल समारोह का एकत्रीकरण दोपहर 12 बैरियल चौराहा पर हुआ। यहां से चल समारोह KS चौराहा, नैनागढ़ रोड, माधोपुरा की पुलिया, गोपीनाथ की पुलिया, महादेव नाका स्टेशन रोड, हनुमान चौराहा पुल तिराहा होते हुए MS रोड होते हुए अंबेडकर स्टेडियम में समापन हुआ, जहां समारोह में शामिल गणमान्य लोगों और नागरिकों द्वारा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। चल समारोह में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, इस अवसर पर सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा, सबलगढ़ विधायक बैजनाथ सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य हरि सिंह कुशवाहा, पहाड़गढ़ जिला पंचायत सदस्य धारा सिंह कुशवाहा, सुमावली सवरेंद्र सिंह कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश महामोर्चा की चित्रलेखा कुशवाहा, रंजेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ प्रांतीय कुशवाहा, उमेंद्र सिंह, फौजी धर्म सिंह कुशवाहा, मुद्रा बजा सुरेंद्र भल्ला का पूरा, योगेंद्र मनीराम कुशवाहा, मोनू कुशवाहा सहित कुशवाहा समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती का कार्यक्रम था, जिसमें सभी समाजों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती के कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया है। इस अवसर पर मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती के अवसर पर सब लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने महापुरुष को, संत को समझा जाना। और धन्यवाद मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने चार ऐतिहासिक घोषणा की थी, चारों घोषणा को पूरा कर दिया है। एक तो सरकार हर वर्ष जयंती का कार्यक्रम सरकार अपनी तरफ से पंचायत स्तर पर मनाने का काम करेगी, ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। दूसरा, शैक्षणिक पाठ्यक्रम में उनकी जीवनी को सम्मिलित किया जाएगा, जिससे हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, पीढ़ी है, वो ठीक प्रकार से उनको पढ़ सके, जान सके कि महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले का इस समाज के लिए क्या योगदान था। तीसरा, महात्मा ज्योतिराव फुले जी के नाम से दमोह के अंदर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नामकरण किया है, प्रदेश में पहला निर्णय ये हुआ है। और चौथा, मुख्यमंत्री जी ने ऐच्छिक अवकाश भी घोषित जयंती के अवसर पर किया है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, समाज को भी बधाई देता हूँ। आज जो 11 अप्रैल में जो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती में सभी मुरैना जिले के कोने कोने से पधारे और सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सभी अतिथिगण यहाँ महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जीवन परिचय पर सबको समझाया और सारी चीज़ें उनको अवगत कराया है। और मैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती पर सभी पधारे हमारे क्षेत्र के कोने कोने से माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो मुरैना में महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती इतने बड़े धूमधाम से मनाई है कि मुरैना में इतिहास में पहली बार ये जयंती मनी है। और इस जयंती के अवसर पर मैं अपने दिल में इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ कि हमारे महापुरुषों की जयंती जो मनी है, कहीं ना कहीं हमारी समाज में जागरूकता आई है, समाज में जागरूकता के कारण ही ये जयंती मनाई गई है, इतनी ऐतिहासिक जयंती रही है। महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती इतने बड़े धूमधाम से मनाई है कि मुरैना में इतिहास में पहली बार ये जयंती मनी है। और इस जयंती के अवसर पर मैं अपने दिल में इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ कि हमारे महापुरुषों की जयंती जो मनी है, कहीं ना कहीं हमारी समाज में जागरूकता आई है, समाज में जागरूकता के कारण ही ये जयंती मनाई गई है, इतनी ऐतिहासिक जयंती रही है। इस शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी समाज के और बहुजन समाज के लोग
और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना ही पियोगे उतना ही दाड़ोगे, बगैर शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा अपने पास है तो सब चीज की जानकारी भी मिलेगी और बगैर शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। आज कुशवा महासभा द्वारा आयोजित महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के शुभ अवसर पर चल समारोह का आयोजन किया गया पर चल समारोह का आयोजन किया गया था जो रेस्ट हाउस से चलकर पूरे बाजार में होते हुए मेला ग्राउंड में इसका समापन समारोह हुआ है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सबलगढ़ से विधायक आदरणीय श्री बैजनाथ कुशवाहा जी, सुमावली से विधायक आदरणीय अजब सिंह कुशवाहा जी और भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष महामंत्री सभी पदाधिकारी और कोने कोने से जिले भर से आए हुए समाज के सभी बंधु थे। आज कुशवाहा समाज ने एकत्रित होकर जो मुख्य उद्देश्य था कि कुशवाहा समाज की एकता दिखे और उस एकता को आज प्रदर्शित करने में कुशवाहा समाज ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।